जी फातेह राणा जी, जो आज हमने जो पूरा ब्लॉग हमने बनाया है, जो वीट है, जो गंदम है, जो अम्मी की तरफ से गांव से आई है, इसको हमने स्टोर करना है। और इस पे मैंने बताया है कि आप नीचे नीम के पत्ते रखेंगे और जब दो बोरियां कम से कम आप डाल चुके होंगे तो फिर आप एक वो माचिस की जो डिब्बी है वो रखें, फिर नीम के पत्ते रखें। इस तरीके से आपने इस प्रोसेस को, यानी सब लोगों ने कंप्लीट करना है। मैं भी इसी पे अमल करूँगा। ये किसी जेंटलमैन ने हमें तरीका बताया था और ये भी मैं आपके सामने मतलब ये सारी खुद मतलब भी करूँगा, यानी इसको। तो हमें अंदाज़ा तो नहीं होगा दो बोरियों का, चूँकि ये हमने सारा वो एक जगह पे ढेर लगा लिए हैं। तो इसको अभी हम स्टार्ट करते हैं इसमें। उसके नीचे मैंने नीम के पत्ते रख लिए हैं और ये मैं खुद इंशाल्लाह सारा जो है प्रोसेस, ये जो हम कहते हैं ना कि जी जल काशिब वो हबीबुल्ला मेहनती कर अल्लाह का दोस्त है, तो करें। पाकिस्तान के हालात भी ऐसे हैं, हम दूसरों की मजदूरियां बड़ी जा के करते हैं इसलिए कि उसने हमें सैलरी देनी है। बड़े हम मतलब आगे पीछे सर सर भी कर रहे होते हैं, लेकिन अपने कामों पे फिर हम नहीं इतना वो कर रहे थे। अपने कामों को आप खुद कर लें तो समझें कि आप काफ़ी हद तक बचत कर रहे हैं। तो ये मैं आपके सामने सारा प्रोसेस करूँ, ठीक है। अंदाजे से जब दो बोरियाँ हो जाएंगी फिर उसमें माचिस की, ये माचिस की डिब्बियाँ हमने लाए हुए, ये देखो पूरा पैक इसमें है। ये एक आपने यानी नीम के पत्ते रखे हैं दो बोरियों के बाद, ये माचिस की डिब्बी रखनी है। इस तरीके से मतलब जो है वो आपने इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है। अगर ये फुल हो जाता है तो इसका मतलब कि इसके अंदर पूरी वो 10 मन तो वो मतलब पूरी आ गई, ठीक है ना। उसके बाद जो फालतू होगी फिर वो पता चलेगा कि हाँ फैमिली ने 10 मन से ज़्यादा भेजी। दानिया वो जो है ना घर सामने, ओए दानिया।